26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर के साथ ही जिले भर में भी अनेक जगहों पर गणतंत्र पर्व मनाया गया। जिला मुख्यालय धार में भी अनेक जगहों पर विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा झंडा वंदन किए गए। इस अवसर पर धार के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर श्रीकांत बनोट द्वारा ध्वजारोहण किया गया। आपका विभाग में भी अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। जिला सहकारी बैंक में भी ध्वज फहराया गया। वहीं लालबाग स्थित प्रेस क्लब में भी पत्रकार साथियों द्वारा परिसर एवं प्रेस क्लब भवन पर ध्वजारोहण किया गया। मोहन टॉकीज पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जिला सहकारी बैंक प्रशासक कुलदीप सिंह मुंदला के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया। रजक समाज धर्मशाला में भी समाजजनों पदाधिकारियों के तत्वाधान में ध्वजारोहण किया गया। आनंद चौपाटी पिपली बाजार में भी क्षेत्रवासियों द्वारा ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं किला मैदान पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री और गंधवानी से विधायक उमंग सिंगार द्वारा परेड की सलामी ली गई। इस अवसर पर ध्वजारोहण कर उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुँचाया। तत्पश्चात जवानों द्वारा हर्ष फायर भी किए गए। साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गीतों पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा संदेशात्मक झांकियां भी निकाली। इस दौरान मंत्री उमंग सिंगार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले जिले के कर्मचारियों संस्थाओं को पुरस्कृत भी किया। संपूर्ण परेड राष्ट्रीय ध्वज और माननीय मुख्य अतिथि के अनुशासन और एकरूपता के साथ मंच की ओर आगे बढ़ रही है। एसआई प्रशांत पाल होमगार्ड की टुकड़ी एसआई माधव खेर के नेतृत्व में सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजर रही है। एनसीसी सीनियर बॉयज पीजी कॉलेज प्लाटून कमांडर विजय गोयल, एनसीसी सीनियर गर्ल्स प्लाटून कमांडर ऋतु राठौर सलामी देकर मंच के सामने से गुजर रही हैं। परेड कमांडर से परिचय प्राप्त किया गया। 2IC से परिचय प्राप्त करने के पश्चात SAF के प्लाटून कमांडर उत्तम बाल के जिला पुलिस बल सब इंस्पेक्टर प्रशांत पाल होमगार्ड NCC सीनियर PG कॉलेज NCC सीनियर गर्ल्स प्लाटून कमांडर ऋतु राठौर है, उनसे परिचय प्राप्त किया गया। सम्माननीय जिलाधीश महोदय और सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड निरीक्षण हेतु आगे बढ़ते हुए, आज गणतंत्र दिवस का है पावन पर्व। हमने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है और संविधान के आदर्शों के अनुरूप देश के प्रत्येक नागरिक को विकास और उन्नति के अवसर प्रदान किए। स्वाधीन भारत वर्ष ने लिखी है और हमने संविधान के आदर्शों के अनुरूप प्रजातांत्रिक प्रणाली को समृद्ध किया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन प्लाटून के पास पहुंच के बावजूद पिछले एक साल से हमने 365 वर्षों का पूरा किया। इस वर्ष हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। गांधी जी ने कहा था,
जब भी हमें अपने कार्य करने के संबंध में कोई संदेह हो तब एक कसौटी आजमाना चाहिए। हमें रोड मैप 2020-25 बनाया, रोड मैप में गरीबों वंचितों की जरूरतों के मुताबिक विकास की प्राथमिकताएं शामिल की गई। इस रोड मैप पर अमल कर वर्ष 2025 तक युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए जरूरी है कि हम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। राज्य शासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक ऐसे काम किए जाए जिससे आर्थिक गतिविधियों, इसके लिए हम विभिन्न नीतियों में लगातार सुधार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नए उद्योग में हम प्रदेश के युवाओं के लिए 70% रोजगार को अनिवार्य कर रहे हैं। हमने निवेश के लिए खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक। बच्चों को खेलते प्रदर्शित किया गया है। ये स्वस्थ बच्चे भाग्य व्यवस्था के परिवार में राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने में समर्थ होंगे। जिला पंचायत धार की झांकी ग्रामीण में हरा वर्मी और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 12/12/2019 को धारा डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से जैविक खाद तैयार धारा वर्मी के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सीमा के ऋण माफ किए जाने जाता है। अगले शिक्षा अभियान